हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फिर टेक्निकल क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। और आज हम मेरा जो टॉपिक है आज वो है 10 ऑफ लुब्रिकेंट्स। दोस्तों आज हम लोग टोटल एसिड नंबर ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है और इससे हम लोग को क्या बेनिफिट होता है ऑयल टेस्टिंग में। तो होता क्या है कि दोस्तों की लुब्रिकेंट इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट ऑयल का जो है बहुत सारा पैरामीटर है उसके हेल्थनेस को चेक करने के लिए। उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट या फैक्टर बोल लीजिए ये 10 है, टोटल एसिड नंबर। इसमें से होता क्या है दोस्तों कि इसमें से क्या है कि ऑयल के अंदर में एसिडिक करैक्टर को हम लोग पता करते हैं कि ऑयल मेरा कितना एसिडिक करैक्टर वो बन रहा है या बन चुका है। तो ये सारी चीजें हैं और इसका कहाँ तक इसका रेंज होना चाहिए इस पर डिस्कस करेंगे और इसको कैसे ये कैसे एसिडिक करैक्टर क्रिएट हो जाते हैं लुब्रिकेंट में वो भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका प्रिवेंशन के लिए क्या हम लोग करना चाहिए ताकि एसिड जनरेट ना हो इन लुब्रिकेंट में। तो हम एक वन बाई वन करके हम क्या करते हैं कि डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम 10 का एक जो फंडामेंटल जो रूल है उसका डिफिनेशन, उसको डिफिनेशन पहले जानेंगे, उसके सारांश पहले जानेंगे आखिर है क्या चीज कैसे हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या 10 का डिफिनेशन क्या है कि 10 इज ए मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी दैट डिटरमाइन बाय अमाउंट ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन मिलीग्राम दैट नीडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑयल। कहने का तात्पर्य यह है कि हम 1 ग्राम ऑफ ऑयल लेते हैं लुब्रिकेंट, 1 ग्राम ऑयल हम लुब्रिकेंट ऑयल लेते हैं और उसमें मिलीग्राम हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके हमको ये पता करते हैं कि 10 का रिजल्ट क्या है, 10 का वैल्यू क्या है। अगर दोस्तों अगर आप देखते होंगे आप इस लाइन में अगर हैं तो अगर इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट ऑयल को अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो उसका 10 का एक रिजल्ट देखते हैं, उसका वैल्यू देखते हैं, उसका ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। अगर आपका ऑयल अगर उसका रिजल्ट अगर 1 से नीचे है तो इसका मतलब क्या है कि ऑयल आपका हेल्दीनेस है, आपका ऑयल अभी भी ठीक है। तो होता क्या है अगर सपोज दैट कि ये कैसे होता है, कैसे एसिडिक कैरेक्टर कैसे जनरेट हो जाता है। तो क्या होता है कि ऑयल जो मेरा ऑयल जब हम दो टाइप से एसिड जनरेट होता है, एक क्या होता है कि ऑयल का अपना एक एज हो जाता है और दूसरा क्या होता है ऑयल हम लोग क्या होते हैं मिस हैंडलिंग के कारण भी हम एसिड कैरेक्टर क्रिएट हो जाते हैं लुब्रिकेंट में। अब क्या होता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या होता है कि इस एक मशीन में उसको क्या है कि एक टाइम बॉन्ड दिया हुआ है कि आप 4000 आवर आपको इस ऑयल को रनिंग करना है इस टेम्परेचर के विदिन टेम्परेचर के अंदर में आपको इसको रनिंग करना है। एक वो हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका मिस हैंडल आप ऑयल लुब्रिकेंट को कर रहे हैं उसमें से भी आपका एसिड जनरेट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि एसिड जनरेट कैसे हो जाता है, तो होता यह है कि ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है किसी भी लुब्रिकेंट में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ वो क्या होता है रिएक्ट करने लगता है। हम अगर इसको मैं बोलूं तो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उससे मेरे हाइड्रोकार्बन क्या करता है रिएक्ट करने लगता है, रिएक्ट करके क्या बनता है कार्बोजेनिक एसिड बनाते हैं जो हम लोग आम बोलचाल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं फैटी एसिड बोलते हैं। तो द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद द हाइड्रोकार्बन इन द लुब्रिकेंट टू फॉर्म ए कार्बोजेनिक एसिड। तो क्या करता है कि एक कार्बोजेनिक एसिड रिएक्ट करके क्या बोलते एक कार्बोजेनिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आपने वायल का टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर पर हैंडल कर रहे हो या आपका वायल का एज हो चुका हो। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपका वायल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो कार्बोजेनिक एसिड फॉर्म हो जाता है और कार्बोजेनिक एसिड जब फॉर्म करके एक सलज जनरेट कर देता है और जब वो सलज जनरेट हो जाते हैं तो वो क्या करता है कि एक सलज जनरेशन हो जाने के कारण क्या होता है कि आपके वायल का विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर देता है और आपका रोटेटिंग एलिमेंट जिसके थ्रू इस लुब्रिकेंट के थ्रू जितने भी आपने मशीन गियरबॉक्स या जो भी है पंप्स आप जितने भी हैंडल करा रहे हैं उसमें से क्या होगा ये सलज फॉर्मेशन हो जाएगा, एक लेयर उसमें आके
एक थीन लेयर क्रिएट कर देगा जो आपको इस लुब्रिकेंट के थ्रू आपको जिसको आपको चलाना है, रनिंग करना है, वहां तक ये क्या होगा कि लुब्रिकेंट पहुंचेगा ही नहीं और आपका फेल्योर स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जब ये क्या होगा कि आपको डे बाय डे ब्रेकडाउन और फेल्योरिटी आपको बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग को करना क्या है कि इस टेल का जब जब भी आप वाइल का रिपोर्ट आप ये लैब में आप एनालिसिस करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उसको आप बारीकी से उसको रिपोर्ट को देखना है। उस रिपोर्ट में ये लिखा रहता है कि ये टेन का जो रिजल्ट है ये कितना है, 0.35 रहते हैं, 0.50 होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि टेन का जो रिजल्ट है ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये अगर बढ़ गया है तो आपके पास वो एक ही रास्ता है कि क्या होता है इंडस्ट्रियल टैंक में एक या दो लीटर वायर होते नहीं कि आप आसानी से इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लॉट ऑफ वायर होते हैं, 50,000 का टैंक होता है, 60,000 का टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उस टैंक को इतनी आसानी से आप पूरे वायर को आप नहीं निकलिए कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दो एक रूल को हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, फीड एंड ब्लीड, मतलब आप वायर को भरो और वायर को निकालो। होता क्या है दोस्तों, अगर मेरा ये टेन का अगर टेन मेरा 1 से ज्यादा रहा तो मैं क्या हम लोग को क्या करना चाहिए कि आप जिस टेन का वैल्यू अगर मैक्सिमम शो कर रहा है रिजल्ट में तो आप उसका 10% वायर को निकालिए या 20% वायर को निकालिए और फ्रेश वायर को उसमें से आप क्या करते हैं आप उसमें टॉपअप करवाइए और आप 10 वैल्यू को मेंटेन करके रखिए। ऑब्वियसली आपका जितने भी रोटेटिंग एलिमेंट है, पंप है, गियर है, बैरिंग है, शाफ्ट है, जो भी है, पाइप है, सारा का सारा सेफ रहेंगे। तो दोस्तों मेरे उम्मीद ये है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और दूसरा वीडियो जो मेरा आने वाला है वो विस्कोसिटी रिलेटेड में वीडियो बनाएंगे और कोशिश ये है कि छोटी छोटी चीज़ें हम लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे और समझेंगे और इससे क्या रिजल्ट आते हैं और इससे हम लोग क्या बेनिफिट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और आप देखते रहिए मेरा टेक्निकल क्लासेस को और इसको लाइक करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।